एवरीवन, मैं रूपाली, मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला जाता है कि आपको अपने सोल को इवॉल्व करना है, आपको अपनी ग्रोथ करनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सोल ग्रोथ प्रोसेस पर है, वो इवॉल्व हो रहा है? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट इज इट रियली इवॉल्विंग। तो चलिए जानते हैं, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट साइंस आपको बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपकी सोल ग्रोथ प्रोसेस पर है। सो द वेरी फर्स्ट साइन इज यू फाइंड योर इनर पीस। No matter what the situation are going on outside, you feel okay, you feel charged, you feel solace in within. You gain your energy back. अब वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी कि कोई ट्रिगर दिया और आप परेशान हो गए। अगर ट्रिगर आता भी है, क्योंकि आप बदले हैं, दूसरा सामने वाला तो नहीं बदला, कोई अगर ट्रिगर आ भी जाता है तो आप विद इन फ्यू मिनट्स अपने आप को फिर से वही पुरानी वापस एनर्जी में, आप अपने आप को वही पीसफुल वाली एनर्जी में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग साइन कि आपको अपने अंदर एक सोलेस, एक पीस, एक इनर पीस फील होगा। सेकेंड साइन कि आपकी सोल इवॉल्व कर रही है कि नहीं, वो ये है कि आपका जो अब तक टॉक्सिक पैटर्न था ना, जैसे इमोशनल पैटर्न या कुछ मान लीजिए हैबिट्स ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, आपको अंदर से ही फील होगा कि यदि आप अब भी उन हैबिट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि आप कंप्लेनिंग मोड में कम और एक्सेप्टेंस मोड में ज़्यादा रहने लगे हैं, और जो पुरानी जो भी हैबिट्स ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आपकी वो हैबिट्स आपसे छूटती जा रही है। ये था सेकेंड साइन। थर्ड साइन, योर सोल इज इवॉल्विंग। ये पता करने का थर्ड साइन है, आप अपने अंदर अब ज़्यादा जोश, हिम्मत फील कर पाते हैं। जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहा होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमिंड होने लगते हैं। लाइफ है, जब तक जिंदा है चैलेंजेस तो आएगा ही, डिफ़िकल्टीज तो आएगा ही। पहले जैसे आप घबरा जाते थे, अब वैसा सिचुएशन नहीं है। अब अगर चैलेंजेस दिया है, ठीक है, उसको फेस करते हैं। उसको फेस करने की अपने आप देखिएगा, आपको हिम्मत आ जाएगी। फोर्थ साइन, योर सोल इज़ प्रोग्रेसिंग, योर सोल इज़ इवॉल्विंग। ये है कि आपका जो इंट्यूशन है, योर इंट्यूशन इज इंक्रीजिंग। आप देखेंगे कि आपको अंदर से ही गाइडेंस आने लगती है कि क्या करना सही होगा, कब करना सही होगा, या दूसरों की भी बातों का आप को उनके बोलने से पहले ही समझने लगते हैं। तो ये इंट्यूशन आपको आगे भी हो सकता है आता था, लेकिन अब ज़्यादा आने लगेगा। आप ये नोटिस कीजिएगा, आपका इंट्यूशन और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। फिफ्थ साइन दैट योर सोल इज़ इवॉल्विंग, ये है कि अब आप दूसरों के लिए और अपने लिए भी ज़्यादा काइंड होने लगते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, इस दुनिया में सब एक हैं। अगर कोई बुरा भी कर रहा हो हमारे साथ, आपके साथ, हम आप ये सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये इजीली आप उसको माफ़ कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे उस वक्त कि चलो ठीक है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिसके चलते उसने आपके साथ बुरा किया, बुरा बिहेवियर किया, या सो ऑन। मतलब आप चीज़ों को इजीली लेना शुरू कर देते हैं। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर काइंड टू अदर्स।
सिक्स साइन इज यिन कि आपका सोल ग्रो कर रहा है, आपका सोल इवॉल्व कर रहा है, वो ये है योर विजन ऑफ द फ्यूचर इज मोर एंड मोर क्लियर एंड वाइडर। आप अपने जीवन में चेंज को एक्सपीरियंस करने लगेंगे, आप अपने आप को इवॉल्व देखना चाहेंगे, न कि पहले वो रोने धोने या सैड हीरोइन जैसी, नहीं, अब आप चाहेंगे कि बहुत हो गया, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सिर्फ पॉजिटिव वे में ही सोचने आप लगेंगे, अब आप दूसरों के लिए कुछ बेटर करने के लिए भी सोचने लगेंगे। सेवेंथ एंड लास्ट साइन ये है कि आपकी ग्रो हो रही है, आपकी सोल इवॉल्व कर रही है, आप पावरफुल होते जा रहे हैं, पहले जैसे सिचुएशन से आप कम आउट होते जा रहे हैं, वो ये है कि आप ज़्यादा ऑथेंटिक होने लगेंगे, यूनिकनेस, एक आप में यूनिकनेस आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद ही इस चीज़ की प्रूफ करेंगे कि हाँ, मैं क्या कल थी और क्या आज हूँ। अगर ये सब आप फील कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गो अहेड, अब आप एक रियल पावरफुल एंड इवॉल्व्ड सोल बन गए हैं या बनने के प्रोसेस में हैं। आज का मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।